हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे मिस्टर आईपीएल यानी सुरेश रैना द्वारा आईपीएल में खेली गई 5 बेस्ट नॉक के बारे में, यानी उनके 5 यादगार इनिंग जो आपको याद रखना चाहिए। वैसे तो उनके अनगिनत यादगार इनिंग हैं, कितनी बार अपनी शानदार बल्लेबाजी से अपनी टीम को जिताया है, पर इस वीडियो में हम 5 ही नॉक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आईपीएल 2009 को सुरेश रैना ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 55 गेंदों पर 98 रन बनाए थे, मात्र 2 रन से सेंचुरी रह गया था और आखिरी ओवर में आउट हो गए थे। ये इनिंग महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि सीएसके के 2 विकेट जल्दी गिर गए थे, पर फिर भी उन्होंने बल्ला चला के खेला। जहां एक तरफ पूरी टीम का स्कोर 164 रन ही था, उसमें से सुरेश रैना ने अकेले 98 रन बनाए थे और सीएसके वो मैच 38 रनों से जीता था। उसके बाद आईपीएल 2011 के क्वालिफायर 1 में आरसीबी ने 176 रनों का टारगेट दिया था। टारगेट चेज करने उतरे सीएसके के ओपनर सस्ते में ही निपट गए, 7 रन के स्कोर पर ही दोनों आउट हो गए थे। उसके बाद सुरेश रैना ने मोर्चा संभाला और अंत तक नॉट आउट रहते हुए 50 गेंदों पर 73 रन बनाए थे और वो मैच सीएसके 6 विकेट से जीती थी। उसके बाद आईपीएल 2012 के फाइनल में सीएसके के ओपनर्स ने अच्छा स्टार्ट दे दिया था, उसी का फायदा सुरेश रैना ने उठाया और 38 गेंदों पर 73 रन बना दिए और 191 रनों का टारगेट दे दिया, पर सीएसके के गेंदबाजों ने वो टारगेट को बचा नहीं पाया और केकेआर चैंपियन बनी थी। उसके बाद आईपीएल 2013 को किंग 11 पंजाब, जो अभी पंजाब किंग्स है, उनके खिलाफ सुरेश रैना ने 53 गेंदों पर आईपीएल में अपना पहला शतक ठोका था, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 6 छक्के जड़े थे। वो इनिंग उनके बेस्ट नॉक में से एक है। उसके बाद 5वें नंबर पर रैना का वो धुआंधार पारी कौन भूल सकता है, जब आईपीएल 2014 को किंग 11 पंजाब ने सीएसके को 227 रनों का टारगेट दिया था, चेज करने उतरी सीएसके टीम का 1 रन पर ही पहला विकेट गिर गया। फिर बैटिंग करने आता है सुरेश रैना, बहुत मारा, धागा खोल दिया एकदम। 25 गेंदों पर ही 87 रन बना डाला था, जिसमें 16 गेंदों में अपना हाफ सेंचुरी छक्के के साथ पूरा किया। उसके बाद परविंदर अवाना के 1 ओवर में 32 रन भी बनाए थे, पर जॉर्ज बेली के शानदार डायरेक्ट हिट ने रैना को पवेलियन भेज दिया। अगर आउट नहीं होता तो 30 गेंदों से पहले सेंचुरी जड़ सकता था, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। ये आईपीएल इतिहास का वन ऑफ द बेस्ट नॉक है। तो इनमें से आपका फेवरेट नॉक कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताना।